पेट की सारी समस्याओं का रामबाड़ी इलाज, पेट दर्द, गैस, उल्टी, खट्टी डकार और एसिडिटी से तुरंत आराम। नमस्कार दोस्तों, आजकल के समय में हर दूसरा व्यक्ति इनडाइजेशन की समस्या से परेशान है, यानी कि अपच की समस्या से परेशान है। कई बार लोग इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि खाना खाने के बाद उनका पूरा पेट फूल जाता है और बार बार गैस निकलता रहता है। इसके साथ साथ कई बार रात्रि में असहनीय पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है, बार बार उल्टी की समस्या होने लगती है, खट्टी डकार आने लगती है और एसिडिटी की समस्या भी होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल घरेलू उपाय लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह दादी माँ का आजमाया हुआ नुस्खा है। जब आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके जीवन से गैस, इनडाइजेशन, अपच की समस्या ठीक हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यकीन ना आए तो आप इसको अपने जीवन में उतार करके देखिए। जब भी आपको गैस की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, या फिर अगर आपने मान लीजिए कभी ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा मीट, ज़्यादा चिकन खा लिया, तो खाना खाने के बाद आप आराम से इसको खा करके देख सकते हैं। जब आप इसको खा लेंगे तो सुबह में आपका पेट बहुत ही आसानी से साफ भी हो जाएगा और रात्रि में जब इसको सेवन कर लेंगे तो आपकी नींद हराम भी नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से अच्छे से सो भी पाएंगे। तो यह नुस्खा बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही चमत्कारी है। यह पेट की बीमारियों का रामबाड़ी इलाज है। इसका सेवन करने से पेट दर्द, गैस, उल्टी, खट्टी डकार और एसिडिटी में आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों इस नुस्खे को बनाना बहुत ही आसान है। आपको अपने हथेलियों पर ही इस नुस्खे को बनाना है और बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और बहुत ही आसानी से आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं और आप इसका प्रयोग किसी भी समय कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको इसका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, आपको अपने हथेलियों पर ही सबसे पहला जो चीज़ लेनी है वो लेनी है दोस्तों हल्दी को। हल्दी पाचक एंजाइम को बढ़ाता है, साथ ही वात पित्त और कफ को संतुलित करता है। तो आप यहाँ पर चिटकी भर जितना हल्दी को अपने हथेली पर ही ले लीजिए कुछ इस तरह से। हल्दी को लेने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा चीज़ लेना है, ये दोस्तों सफ़ेद नमक को। अगर आपके घर में सेंधा नमक है, काला नमक है, तो आप इसकी भी मात्रा ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आखिर में लेना है ये दोस्तों अजवाइन को। अजवाइन पेट की बीमारियों का रामबाड़ इलाज होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, अजवाइन खास करके पेट की समस्याओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपको यकीन ना हो तो आप एक बार इसका प्रयोग करके ज़रूर देखिए। इसके सेवन करने से पेट दर्द, गैस, उल्टी, खट्टी डकार और एसिडिटी में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। तो कुछ इतनी ही मात्रा में आप यहाँ पर अजवाइन को ले लीजिए। अजवाइन को लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को अच्छे से मिला देनी है। जब आप इन तीनों को अच्छे से मिला दें तो अपने अंगूठे की सहायता से इसे अच्छे से मसलना है। आप इसे तब तक मसलिए जब तक कि हल्दी पूरी तरह से नहीं मिल जाती है। इससे क्या होगा दोस्तों, हल्दी का जो गुण है वह अजवाइन में अच्छे से उतर जाएगा, साथ ही अजवाइन का गुण भी हल्दी के अंदर मिक्स हो जाएगा और आपको इसको लेकर के फांक लेनी है। आपको इसको थूकना नहीं है, आपको इसको फांक लेनी है। याद रखें दोस्तों, हल्दी जो होता है कड़वा होता है, तो आप इसे गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। सबसे पहले आप इसे अपने मुंह के अंदर डालिए, उसके बाद फंकी की तरह आप इसको चबाइए, उसके बाद आप हल्का सा गुनगुना पानी को पी करके घोट लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे 5 मिनट के अंदर ही आपको बहुत ही ज़्यादा असर दिखाई देगा आपके शरीर के ऊपर। सबसे पहला तो आपके पेट में अगर दर्द है तो पेट में दर्द को दूर कर देगा, गैस को मिटाएगा, उल्टी आ रही है तो उल्टी को भी ठीक कर देगा, खट्टी डकार आ रही है तो खट्टी डकार को भी धीरे धीरे करके कम कर देगा, एसिडिटी में भी आराम दिलाता है। तो आप एक बार इसका प्रयोग करके ज़रूर देखिए, यह बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको फ़ायदा ज़रूर करेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी जुड़ते हैं आपसे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।